क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर कमेंट करिए। एमएस विंडोज आज पढ़ेंगे, विंडोज के बारे में देखेंगे। द बिल्ट इन ब्राउजर इन विंडोज 10 इज कॉल्ड, जो इनबिल्ट ब्राउजर आ रहा है विंडोज 10 में, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एज? विंडोज 10 की बात कर रहा है। विंडोज 10 में जो इनबिल्ट ब्राउजर आता है इंटरनेट के लिए, वो कौन सा होता है? डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ए आ रहा है विनाश पांडे। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, 7 में आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, 7 में होता था विंडोज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो होगा वो आपका किस में आ रहा है? विंडोज 10 में आ रहा है, विंडोज 10 में, ये 7 में होता था। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज लॉन्च इन, विंडोज 1 कब लॉन्च हुआ था? विंडोज 1.1, 1.0, जिसे 1.0 बोलते हैं, विंडोज 1.1, 1.0 चाहे ओ, कब लॉन्च हुआ था? 90 में, 87 में, 84 में या 85 में? इसका आंसर करिए और सेशन को शेयर जरूर करिए। 1985 में कब हुआ था ये? 1985, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहला संस्करण विंडोज का 1985 में लॉन्च हुआ था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, आईबीएम द्वारा, एटीएनटी द्वारा, एचपी द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है विंडोज का आविष्कार। गुड इवनिंग अंजलि जी। नहीं, एच एप्पल का नहीं है। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स या ऑल ऑफ दिस? इसमें से जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जल्दी से बताएं क्या होगा। गुड इवनिंग इंद्रमणि जी, यूनिक्स होगा। इसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेक्स है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ विंडोज है। विंडोज जो है, क्योंकि इनमें आइकन वाइकन देखते हो कितना बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, तो विंडोज सिर्फ आपका क्या है, एक आपका जीयूआई इंटरफेस है। जीयूआई मतलब कि हमारा और सॉफ्टवेयर का जो बीच में इंटरफेस का काम करता है, हर चीजें समझने और दिखने में अच्छी लगी, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है? गो टू मीटिंग, सिस्को वेब एक्स, स्काइप, अज्योर? बताइए इसमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है? बहुत समय तो नहीं मिलेगा, अगर आपको जीरो है, नल है एकदम, तो टाइपिंग तो आपको ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 2 से 2.5 महीना टाइम मिलेगा, 2 महीना मुश्किल से आपको टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। आप उसमें सीखें, प्रैक्टिस करें, कैसे करेंगे? डी होगा। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन सही है, अजूर जो है ये आपका क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? मैक ओएस, लाइनक्स, विंडोज 7, विंडोज सीई? बताइए इसमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज सीई है। क्या है? विंडोज सीई, कॉम्पैक्ट एम्बेडेड। ये कहाँ यूज होता है? जो पॉकेट पीसी आते थे पहले, उसमें होता था, तो ये रियल टाइम होता था। पॉकेट पीसी हुआ, छोटे छोटे पहले होते थे, उसमें विंडोज सी कॉम्पैक्ट यूज होता था। ठीक,
तो विंडोज सी क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। विंडोज में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज सी, कॉम्पैक्ट एम्बेडेड नाम था इसका। विंडोज 95, 98, विंडोज एनटी डैश 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 के नाम से जाने जाते हैं। प्रोसेसर, डोमेन नेम, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? 95, 98, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल से होगी, कल से क्लासेस करेंट वाली होंगी। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फॉलो बाय 8, किस 8 जो है, 8 के बाद कौन फॉलो हुआ? 8 के बाद कौन सा आया? विंडोज 8 को कौन फॉलो किया बताइए? विंडोज 8 को कौन फॉलो किया जल्दी से बताएं? विंडोज 8 को कौन फॉलो किया? 10 फॉलो किया, बहुत बढ़िया। विंडोज 10 आया 8 के बाद, 9 नहीं आया था, 10 आया था सीधे। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? बिन एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम को अगर एग्जिट कर जाते हो तो फाइल, एडिट, कॉपी, क्लोज, तो क्या होगा इसमें? क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दें, डी सही होगा। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, आकाश जी, सभी के डी आ रहे हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट 10 किस वर्ष प्रारंभ किया गया था जल्दी से बताइए? मैंने एक बार करा लिया है इसका। अंबेश जी इसका आंसर बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डी 2015। चलिए, ए आ रहा है किसी का, सी आ रहा है, प्रिया जी का 2015 आ रहा है, रवि जी का डी है, श्रीवास्तव जी का ए आ रहा है, कपिल जी का डी है, आकाश जी का 2015 है। बहुत बढ़िया, 2015, 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 2000, 29 जुलाई 2015 में विंडोज 7 का आविष्कार हुआ था, ठीक है। अगले में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। तो कितने फॉन्ट हैं? 49 है, पहले 9 होते थे, बाद में आपके 40 और जोड़े गए, तो 49 फॉन्ट हैं जो भारतीय भाषाओं से रिलेटेड हैं। 49 फॉन्ट हैं, ठीक है, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? आई क्लाउड, वन ड्राइव, आईडी ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा है? क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? बी आंसर आ रहा है, वन ड्राइव। चलो देखो, ये क्या है? आई क्लाउड जो होता है ये एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है। वन ड्राइव किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये भी सब है आपके, ड्रॉप बॉक्स भी, ड्रॉप बॉक्स एक कंपनी है, उसका क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बी आंसर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन वाया डिस्क क्लीनअप? जब डिस्क क्लीनअप करते हैं हम लोग, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, तो रिमूव टेम्पररी वेब फाइल्स, रिमूव टेम्पररी विंडोज फाइल, एम्प्टी द रिसाइकल बिन, चेंज द पावर ऑप्शन। तो बोल रहा, जब हम कौन सा ऐसा काम जो डिस्क क्लीनअप नहीं करता, इसमें से ऑप्शन जल्दी से बताएं क्या होगा? 13 का आंसर डी होगा, प्रदीप जी डी आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा। घनश्याम जी चलिए, एकदम हट गए हम, बोलो तो बाहर चले जाएं यहां से। 13 का आंसर चेंज द पावर ऑप्शन, सही बात है, पावर ऑप्शन को चेंज नहीं करता है। बाकी आपके जो भी टेम्पररी विंडोज फाइल होंगी उनको डिलीट कर देगा, और टेम्पररी वेब फाइल जो होंगी, जो आपके वेबसाइट जब ओपन करते हो तो कुछ ऐसे अनवांटेड फाइल्स जो होती हैं वो आपके स्टोर में आ जाती हैं, तो उनको डिलीट करता है, और ये भी फाइल डिलीट होता जाता है। रिसाइकल बिन भी, अगर आप में कुछ फाइल पड़ी हैं उसको भी क्लीन कर देगा, लेकिन पावर ऑप्शन को नहीं चेंज करता है। तो डी आंसर सही होगा।
अगला है विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन से कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? विंडोज 10 निम्नलिखित में से कौन से कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? बताइए। प्रोग्राम, सिस्टम और सुरक्षा, हार्डवेयर और ध्वनि, उपयोगकर्ता का खाता। ए होगा, यूजर अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं है। बोला है विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को, ठीक है, कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम में अनइंस्टॉल करने देती है, किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है, तो वो क्या होगा? वो प्रोग्राम होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो प्रोग्राम होगा जो आपको विंडोज 10 के प्रोग्राम कंट्रोल पैनल आइटम से, ठीक है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इंस्टॉल प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल प्रोग्राम से। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? बताइए। इसमें से विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु या आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? Shift F4, Ctrl F10, Shift F10 या Alt F12? इसका जल्दी से क्या बोलना है कि सर, इन सेम विंडोज वी कैन इंस्टॉल टू विंडोज। विंडोज आप अलग अलग ड्राइव में दो विंडोज कर सकते हो। मैं, ठीक है, मैं सिस्टम जब लिया था तो मैं अपने सिस्टम में दो विंडोज रखता था, विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1, ठीक है। तो एक ड्राइव में मेरी सी होती थी, एक में डी होती थी। जब पावर ऑन करोगे तो पूछता है कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो। तो एक सिस्टम में दो विंडोज हो सकती हैं, तीन विंडोज हो सकती हैं, चार विंडोज हो सकती हैं, जितने ड्राइव है उसमें रख लो। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा Shift F10। Shift F10 से क्या होगा आपका कि जो आपका कोई भी चयनित आइटम है उसका शॉर्टकट बनाना है, ठीक है, तो शॉर्टकट आपका तुरंत बन जाएगा Shift F10। विंडोज 7 में, विंडोज 10 में ना जाके ट्राई कर लेना। Ctrl F10 से क्या होगा? Ctrl F10 से क्या होगा? बताइए, Ctrl F10 से कोई बताएगा क्या होगा? चार सर, चार को पेपर है, आधार पर एनालिसिस क्लास लगवा दीजिए और एक मैराथन भी। चलिए, इस पे देखा जाएगा, इस पे आपके एनालिसिस पता चल जाएगी। Ctrl F10 क्या होता है? जो मिनिमाइज करने के लिए होता है, जो विंडोज खोलेंगे उसको मिनिमाइज के लिए होगा Ctrl F10। विंडोज 8 में Windows+X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या सम्मिलित होता है? क्रिएट, व्यू, कंट्रोल पैनल या ओपन। Windows+X दबा दें, विंडोज की जो होती है उसमें विंडोज के साथ एक्स दबाएंगे तो क्या आएगा? एक पॉपअप ऐसे बन के आएगा जो कंट्रोल पैनल में जितने भी आपके वो होते हैं ना आइटम की, जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी कर सकते हो, वही आपके उसमें दिखाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल हो जाएगा इसका। अगला ये क्या है?
यहां देखो मैच कराना है, यहां पर थोड़ा एक साथ सट गया है, यहां पे ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, मैच कराना। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो क्या होगा, रिफ्रेश करने के लिए टास्क बार पर राइट क्लिक करें, विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो क्या, किससे क्या क्या आएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताए कौन किससे मैच कर जाएगा। डेस्कटॉप पर जब राइट क्लिक करते हो तो रिफ्रेश कर सकते हैं, तो पहले का ए का सेकंड हो जाएगा, उसके बाद टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो उसके प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, गुण को जान सकते हैं, तो बी का थर्ड हो जाएगा। विंडोज पर स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके शट डाउन कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन आते हैं जैसे राइट क्लिक करो तो बंद कर सकते हैं, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया, जल्दी से बताओ। विंडोज के किस संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया, एक बार शेयर जरूर कर दें सभी लोग। 9, बहुत बढ़िया, विंडोज 9 नहीं आया था, बाकी सब आए थे। अगला है, विंडोज 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रिसाइकल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। रिसाइकल बिन में ले जाना है, कंट्रोल एक्स शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी आल्ट डिलीट, जल्दी से बताओ। देखो वैसे डिलीट कर देते हो, वैसे डिलीट जो बटन होती है ना उससे डिलीट बटन दबा दोगे तब भी क्या हो जाएगा, डिलीट बटन दबा दोगे तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन यहां डिलीट नहीं है तो यहां क्या दोगे आंसर, कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट से वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, रिसाइकल बिन में शिफ्ट प्लस डिलीट से नहीं, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। जैसे शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे किसी पर तो पूछता है कि इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो हाँ परमानेंट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा कि फिर से दोबारा आप रिस्टोर कर सको। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितने टैब होते हैं बताइए। विंडोज 8 के इंटरनेट हो चुका है, एक बार जाके देखिए, इंटरनेट मैंने करा चुका, कितनी बार इंटरनेट कराएं। कितने होते हैं, एक होता है इसमें, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल होता है। Who owns the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था 90 में, 91 में, 92 में या 93 में, जल्दी से बताइए कब जारी किया गया था। तो 3.0 आपका 90 में आया था, 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज प्रोग्राम इन विंडोज, कौन से एसेसरीज प्रोग्राम है, वर्ड पैड होगा, एल हटा दो यहां से, वर्ड पैड, वीएलसी प्लेयर, पेंट, नोट पैड, क्या पूछा, इज नॉट ए एसेसरी प्रोग्राम, कौन सा विंडोज में सहायक प्रोग्राम नहीं है बताओ, वर्ड पैड, वीएलसी प्लेयर, पेंट या नोट पैड। इसे तो हम लोग अपना इंस्टॉल करते हैं ना, पहले से कहां आता है, पहले से वर्ड पैड रहता है, पेंट रहता है, नोट पैड रहता है, ये नहीं है, ये हम अपने सहूलियत के लिए प्लेयर कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर। स्लो चलें, काहे 50 क्वेश्चन है भैया, अभी आपकी जीएस की क्लास लाइव हो जाएगी। यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हो, अप स्टार्ट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या पैच कर रहे हो, या इनमें से कोई नहीं। जवाब आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए, अपग्रेड, अपग्रेड, चलिए सी आ रहा है आंसर,
बी देखो, 3 ही दिन मुश्किल से बताते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे, पता चले आज मैंने 50 क्वेश्चन है, आज कर नहीं पाओ तो कल फिर कैसे करोगे। जितना क्वेश्चंस कर लो, पीडीएफ भी तो मिल जाती है, उसे भी पढ़ लेना। तो ये दो दो बार हो जाएगा ना, एक बार यहाँ कर लोगे, एक बार पीडीएफ से पढ़ लोगे, तो चीजें एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो क्या होगा, इसका अपग्रेड होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी जो यूपीटेट का पेपर लीक हुआ है, जितना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में सीडीपी का कराया था, वो सभी के सभी आए थे उसमें। दिव्या जी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं जीयूआई, ओपन जीएल, एक्स विंडोज, विंडोज ग्राफिक्स। विंडोज उपयोगकर्ता का उपयोग प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं क्या, इंटरफेस का प्रयोग करके एक्स विंडोज किए जाते हैं, जीयूआई न देना अक्सर। ये क्या होता है, बिट बिट मैप डिस्प्ले टाइप का होता है, डिस्प्ले बिट मैप डिस्प्ले, जो एक तरह से इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में, एक तरह से बोला जाए ये इंटरफेस का काम करता है। बेस्ड ऑन किस पे होता है ये, बेस्ड इसी टेक्निक पर, आपका बिट मैप डिस्प्ले टेक्निक। इसमें क्या होता है कि पिक्सल्स के क्या होते हैं, मैट्रिक्स बने होते हैं, छोटे 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 पिक्सल्स के आपके मैट्रिक्स बने रहेंगे ऐसे, उसी को बिट मैप बोला जाता है। इसी पर जीयूआई का आविष्कार हुआ था, इसी प्रिंसिपल पर। टेलीग्राम पर मिलती भाई पीडीएफ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन कहीं आता है तो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की आम विशेषता, हाँ विशेषता नहीं है, बताइए। मेनू, विंडोज, हेल्प, सर्च, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है, इसमें से कौन से सॉफ्टवेयर की एक आम विशेषता नहीं है, जल्दी से बताइए। विंडोज नहीं है, बाकी हेल्प है, सर्च है, मेनू है, विंडोज आपकी उसकी विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन होगा। अगला, वर्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू, डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल होते हैं, विंडो के घटकों में, ब्राउजर के, एक्सप्लोरर के, वेबसाइट के, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर दोगे इसका, विंडो के घटकों में। वर्ड प्रोग्राम के जो विंडो होता है, घटकों में क्या शामिल होता है आपका, ये सब, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार। तो ऑप्शन क्या होगा, विंडो ए। अगला, विच ऑफ दिस इज ए बूट लोडर फॉर विंडोज 10। बूट लोडर इसमें कौन सा यूज होता है विंडोज 10 में। बूट लोडर मतलब जब आप सिस्टम को बूट कराते हो, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, तो उस समय एक लोडर काम करता है, प्रोग्राम होता है ये बूट लोडर, उसका एक जेनरिक नाम होता है, उस बूट लोडर को क्या कहते हैं। इससे पहले विंडोज 7 में दूसरा होता था, लेकिन 10 में ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो एनटी में, विंडोज एनटी जब आया था, उसमें ये बूट लोडर यूज हुआ करता था। तो उसमें कुछ खामियां थी जिसको दूर करने में इतने साल लग गए, मगर बेहतरीन था वो। तो जब 7 और 10 चले, तो उस समय आपका अलग था। हाँ, बूट MZR जो था ये 10 में यूज होता है, और NTLDR जो था ये 7 में यूज होता था, बूट लोडर, ये ध्यान रखना। द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन डेट कम्स इन ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज OS में आता है उसे क्या कहा जाता है। एक बार शेयर करो, और ये संख्या बल 100 के पार करिए जल्दी से। करंट क्वेश्चन 12+ ही होंगे, 12 से 15 के बीच में है। प्रदीप जी का आंसर ए है, अंबेश जी का ए है, विशाल जी का डी है। चलिए वो रवि जी, आप कांटेक्ट करिए नंबर पे जो दिए जा रहे हैं, नीचे नंबर है संस्था का, उस पर कांटेक्ट करिए आप।
डी आ रहा है सजत जी का आंसर, ए आ रहा है इजहार अंसारी जी, ज्ञान जी का आंसर भी, घनश्याम जी का आंसर ए आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक उसके लिए नहीं होता, टॉक कुछ नहीं होता, चैट नहीं होता है, विंडोज मैसेंजर होता है। क्या होता है? विंडोज मैसेंजर होता है उसके लिए। ए आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज को निम्नलिखित में से कौन से बेहतर रूप से व्यक्त करता है? बताइए, विंडोज के डेफिनेशन से बताइए। विंडोज खुली जगह है जो कंप्यूटर के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं। नहीं, यह गलत है। विंडोज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए होता है। सी बोल रहा है, विंडोज ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन चिन्हों को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। यह गलत है। यह कोई विंडोज गणितीय प्रश्नों को थोड़ी हल करता है, वो तो कैलकुलेटर एक प्रोग्राम होता है, वो होता है। यह सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज, जो आपके आइकन जो चिन्ह होते हैं वो काफी उस पर होते हैं, उन पर काम करता है। विंडोज हार्डवेयर नहीं है तो यह भी गलत हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेटअप टाइप इन विंडोज? निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्सल, नन ऑफ दीज, टिपिकल, कस्टम। जल्दी से बताइए, इसमें से विंडोज का कौन सा सेटअप टाइप नहीं है? जो पार्शियल होता है इसका मतलब है कोई आर्गुमेंट को फिक्स करके नया फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। किसमें डर लग रहा है? इसमें ये पार्शियल नहीं है, बाकी आपका सभी है, ये तो खत्म है। टिपिकल और कस्टम जो होते हैं सेटअप होते हैं विंडोज के, ए आपका होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटी इज यूज टू डिस्प्ले द ड्राइवर फोल्डर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव फोल्डर फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर का, नोटपैड का, एमएस एक्सप्लोरर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का? क्या आंसर होगा? हाँ, कल एक्सेल ही कराएंगे, कल एक्सेल कराएंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस कराएंगे, ठीक है, वर्ड कराएंगे, उसके बाद से आपका पीपीटी करा देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैथ्स में डर लग रहा है? अरे डरो मत, डर के आगे जीत है। मैथ्स में जितना कोशिश करो, अगर मैथ्स बाकी अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन मैथ्स में इतना करो कि 10-12 क्वेश्चन तक हो जाए। चलिए एक बार सभी लोग शेयर करें, सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। विंडोज एक्सप्लोरर पे करोगे तो वो आपके सिस्टम के जितने भी फोल्डर हैं, फाइल्स हैं, एसएस, क्विक एसएस एक नाम से आता है, वो सब आ जाएगा। ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी, सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी, फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। बताइए क्या होगा? अगर आप डायरेक्टली कोई फाइल पे काम कर रहे हो एमएस ऑफिस वर्ड पे, और उस फाइल को सेव नहीं किया और डायरेक्ट क्लोज बटन दबाओगे तो आपको क्या करना होगा? क्या होगा? डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देव जी, जितेंद्र जी, अंबेश जी, घनश्याम जी, सभी का आंसर डी आ रहा है, एकदम जाहिर सी बात है, यही होगा। जैसे उस पर दबाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, यस या नो, ठीक है। तो आप उस पर करते हो यस अगर करना होगा, नहीं तो नो, ठीक। तो ऑप्शन डी, डायलॉग बॉक्स आ जाता है, बहुत बढ़िया। 282 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए? नहीं भाई साहब। बाइनरी फाइलों को बनाने के लिए? नहीं। चित्र खींचने के लिए? नहीं। तो क्या आंसर होगा? केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए।
देखिए कट ऑफ के बारे में आप लोग मत पूछिए, कट ऑफ जब तक आपके पेपर का स्तर नहीं देखा जा सकता है कोई भी चीज डिपिक्ट नहीं किया जाएगा। पेपर जिस दिन आप लोगों का 4-5 को हो जाएगा, हम बच्चों से बात कर लेंगे एक बार, पेपर कैसा था उसकी एनालिसिस कर लेंगे, तभी जाके कुछ बताएंगे। क्या हुआ अंकुर जी? सर कंप्यूटर कैसे पढ़े? अरे मैंने बताया है कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी, वहां जाओ बस वही वही टॉपिक पर मेन बना लो। और जितने मैंने एमसीक्यू इधर 7-8, 8वीं क्लास है उस 8ों क्लास में मैंने 100, किसी में 50, किसी में 65 ऐसे क्वेश्चंस कराए, उसको रट मारो, मतलब एक बार पढ़ जाओ। ठीक है, पढ़ जाओगे तो वहां से क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? और बाकी जो लोग टेस्ट से नहीं जुड़े हो, अभी भी टाइम है, 149 में 10 टेस्ट हैं, और इस 10 टेस्ट के जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ना, अगर आपको कंप्यूटर से डर लग रहा है उसके क्वेश्चंस पढ़ो और उसकी व्याख्या पढ़ो, ढेर सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहां क्या होगा, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? प्रोटेबल, जीवाई सपोर्ट, मल्टीटास्किंग, ओपन सोर्स। तो विंडोज से ओपन सोर्स संबंधित नहीं हो, ओपन सोर्स ये नहीं होता, ये क्लोज सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स फाइल, सोर्स कोड जिसका होता है वो ओपन होता है सबके लिए, उसे ओपन सोर्स कहते हैं। विंडोज ओपन नहीं है, विंडोज नहीं है, यूनिक्स है, लिनक्स है, इन सब के जो मेन ओरिजिनल फाइल होती है वो ओपन होता है सबके लिए। कोई भी इंडस्ट्री उसको लेकर अपने हिसाब से जो भी उस पर फीचर्स डालना चाहती है डाल सकती है, लेकिन विंडोज को नहीं। टाइपिंग कहां से सीखी भाई? टाइपिंग के लिए तो आप लोग बेटर जानोगे, देखिए टाइपिंग इंस्टीट्यूट जो होंगे उनको पकड़िए, वहां से आप टाइपिंग अच्छा कर सकते हो। जहां के होंगे आप वहां पे टाइपिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे जाइए, वो आपको बेहतरीन करेंगे। विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? OLE का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताइए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा, एक बार शेयर जरूर करें, ये 100 से कम नहीं होने चाहिए। OLE का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताएं। बी आंसर आ रहा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ऑब्जेक्ट ऑनलाइन तो कभी दुनिया में नहीं हो सकता है, विंडोज में ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बार्किंग नहीं होता, इम्बेडिंग होता है, इसलिए सही है ये। 37 का आंसर भी। 38 का, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा क्या होता है, गुण, विशेषता, प्रकार या विस्तार, एक्सटेंशन। क्या होता है, जैसे हम कुछ भी लिखें, कोई फाइल बनाए तो परीक्षा के नाम से बनाए, डॉट के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। कौन सा एक्सटेंशन है, तो विस्तार होता है, डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेटअप टाइप इन विंडोज, ये तो फिर से आ गया। हाँ 40 नंबर, शॉर्टकट यूज टू हाइड ऑल द टेप्स एंड गो डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप, कौन से शॉर्टकट से हम सभी टैब को हाइड करके डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जा सकते हैं? कंट्रोल विंडोज, विंडोज अप एरो, विंडोज डी, विंडोज के, जल्दी से बताइए इसमें क्या सही होगा। देखो विंडोज अभी कट ऑफ मैंने पहले बता दिया, कट ऑफ आपका एक ओवरऑल बनेगा, टाइपिंग के बाद आपका अलग अलग कट ऑफ बनेगा। डी होगा, चलो विंडोज डी से हम क्या करेंगे, जो भी टैब खुले रहेंगे वो छिप जाएंगे, हम सीधे डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो, कंट्रोल और विंडोज, विंडोज के की के साथ आते हैं। देखो विंडोज प्लस के से क्या होगा, क्विक
जो क्विक एसेस होता है ना, क्विक एक्शन जिसको बोलते हैं, सर्च वर्ड्स का उसमें आ जाता है, क्विक एक्शन आ जाता है विंडोज के साथ। विंडोज अप एरो से क्या होता है? विंडोज अप एरो से अगर आपका विंडोज छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है? विंडोज आपका छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, तो विंडोज अप एरो से, डाउन एरो से छोटा हो जाता है, तो विंडोज अप एरो से आपका जो भी आप विंडो खोले वो पूरे विंडोज में आ जाएगा, छोटा करना है तो डाउन। फॉलोइंग डिवाइस एड्स इन जीयूआई बेस्ड ओएस, निम्न उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस में सहायता देते हैं, कौन सा? कीबोर्ड, टच पैड, माउस, ऑल ऑफ दीज। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जो आपका बोल रहा है कौन से मतलब डिवाइस हैं जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, सहायता देते हैं, सभी होगा, सी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सब उसी के बेस्ड पे होता है, टच पैड हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब आपके जीयूआई बेस्ड है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड बाय क्लिकिंग ऑन इट विथ ए माउस इज कॉल्ड, एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, शिफ्टिंग, ड्रॉपिंग, क्या कहा जाता है? जब माउस से क्लिक करके उसको खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माउस को ड्रैग कर रहे हैं, कोई फाइल उठा के ऐसे खींच के अलग कर दिए डेस्कटॉप पे तो ड्रैगिंग कहलाएगी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? देखो दो ही प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक जीयूआई होता है, एक कौन सा होता है? सीएलआई होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जो डॉस ओस में होता है, यूनिक्स में होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? इसमें बताइए क्या होगा, कमांड किस में भेजा जाता है? गलत आप लोग समझ रहे हो, यहां बोला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, जो आइकन, जब आपको आइकन चीजें दिखती हैं तो इसका मतलब वो जीयूआई है, तो जब हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आइकन किसको? विंडोज को कमांड भेजता है, वो सिस्टम को कमांड भेजता है कि इसको ओपन करना है, ठीक है? तो यहां जीयूआई ही होगा, यहां पर जीयूआई होगा, कमांड नहीं होगा, क्योंकि जब आइकन दिख रहा है तो आइकन का मतलब ही हुआ कि जीयूआई आपके सिस्टम में है। अगला, विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सी यू आई, जी यू आई, डब्ल्यू यू आई, एम यू आई, तो जी यू आई कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जल्दी से बताइए। बोला ना विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो भागों में विभाजित किया गया है। विंडोज हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं? आपके सेमेस्टर में कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था तो आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं वो तो बताएं। ब्रांच कौन सी है ये बताइए आप। अगला क्या है? द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी ए फेलर विदाउट ए, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी? किसके बिना? द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी ए फेलर विदाउट ए स्कैनर, मॉडम, माउस, वेबकैम। मैकेनिकल ब्रांच है, फॉर्म आपने फिल कर दिया है। चलिए सी आ रहा है, माउस। देखो द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी ए फेल्योर विदाउट ए किसके इंटरफेस के द्वारा? माउस।
बिना माउस के हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते हैं किसी तरह से। बिना चूहे के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता है आपका, सी होगा। विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीयूआई एंड माउस टुगेदर? जीयूआई और माउस टुगेदर एक साथ किसने, कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर था जिसने दोनों को एक साथ निकाला? आईबीएम ने, बेबेज कंप्यूटर ने, या मैकिंटोश ने, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने? किसने सबसे पहले जीयूआई के साथ माउस एम्बेडेड निकाला था? आईबीएम नहीं होगा, मैकिंटोश होगा। मैकिंटोश सी होगा। देखिए, उसमें आपका जो माना गया था, डिप्लोमा के बारे में जिक्र किया गया था, ईसी के बारे में, ठीक है? तो डिप्लोमा इन सीएस या ईसी बोला गया था। तो जहां तक ये है कि बीटेक वालों को भी लिया गया। अगर आप मैकेनिकल से हैं और आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है 1 ईयर तक, ठीक है? क्योंकि एक जगह ये भी था कि अगर आपके विषय में कहीं भर किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में आपके 1 साल तक कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहा है, तभी भी आप एलिजिबल हो। तो आप एलिजिबल हो, उससे टेंशन ना लो। ए स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टूल, मैप, लोगोज, आइकन। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका एक आ जाता है ना बनके, उसको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं, लोगो नहीं कहते हैं यार, आइकन कहते हैं उसको। कंप्यूटर के भाषा में लोगो, वो हम जानते हैं उसका लोगो है, लेकिन उसको लोगो कंप्यूटर की भाषा में नहीं, आइकन बोलते हैं उसको। 49, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज कितने मानक मेन जो आइकन होते हैं, मानक आइकन, वैसे तो बहुत होते हैं, मानक आइकन कितने होते हैं बताइए? सर, मेरा कंप्यूटर के मार्कशीट में कुछ अल्फाबेट्स गलत है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या अल्फाबेट्स गलत है वो एक बार मुझे बताइएगा। इसमें 4 मानक होते हैं, ठीक है? मानक जो अगर आइकन बोला जाए तो 4 मानक होंगे। डॉक्यूमेंट पहला, दूसरा जो होता है एक बार आप दिखा दीजिएगा, उसके बाद से मैं कुछ बता पाऊंगा। एप्लीकेशन टूल बार, और तीसरा ये हो गया, चौथा आपका मेनू बार। ये मेन होते हैं आइकन, बस। मतलब इनको मानक आइकन बोला जाता है, तो 4 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें, फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। क्या इसमें सही होगा? इसका आंसर बताइए। बोला विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो फाइल आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम विकल्प को चुनेंगे, ये सही होगा। बाकी आपके फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करने से नहीं होगा, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनने से नाम नहीं बदलने वाला, डबल क्लिक से भी नहीं होने वाला, ओपन हो जाएगी फाइल। तो डी आपका सही होगा। अब ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। कुछ छूटा तो नहीं था इसमें, 50 ही थे ना, बीच में कुछ स्किप तो नहीं हुआ है? हाँ चलिए, 50 आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। एक दो एक्स्ट्रा करा दें, अभी जीएस की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
पीडीएफ किस नाम से है? पीडीएफ देखिए, पीडीएफ तो ये आपको कल विंडोज के नाम से मिलेंगी, बाकी क्लास प्रैक्टिस वन, प्रैक्टिस टू, प्रैक्टिस थ्री के नाम से मिला है। तो कल हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? पीजीडीसीए किसके साथ है मेरू जी, मीनू जी? ये हाई कोर्ट के लिए तो सफिशियंट है, हाई कोर्ट वाले तो टेंशन ना लो, हाई कोर्ट के लिए सफिशियंट है। इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखेंगे तो नहीं होगा कुछ, कुछ ये रहेगा और कुछ एक्सेल रहेगा। विंडोज के अभी और क्वेश्चंस हैं तो कुछ विंडोज के रहेंगे, कुछ एक्सेल्स के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा कल। कल शायद 100 क्वेश्चंस लेकर आऊं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जीएस की क्लास लाइव होगी तो आप लोग जीएस की क्लास के साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर कमेंट करिए, क्या सही उत्तर होगा? इसको सही क्रम में आपको लगाना है। बोला है कि विंडोज 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है टास्क बार फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करो। होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करें या टैप करें। जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वो ड्राइव या फोल्डर खोलें। खाली जगह पर एंटर प्रेस अथवा टैप करें। चयनित नए फोल्डर नाम के साथ एक नया नाम लिखें। आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे। इसका आंसर बताइए क्या सही होगा, सबसे पहले काम कौन सा आप करेंगे? इसमें आंसर बताइए ए होगा। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये वाला करोगे, सी वाला। बोला जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है, तो जिस प्लेस पे आप फोल्डर बनाओगे वहां पे आप फोल्डर बनाना चाहते हो वो ड्राइव या फोल्डर खोलें। तो सबसे पहला स्टेप होगा सी। ऑप्शन में देखो, ठीक है, ऑप्शन में देखो कोई सी से स्टेट होगा या और कुछ होगा। पहले टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, सी नहीं होगा, पहले ए होगा, क्योंकि फाइल एक्सप्लोरर चाहे विंडो एक्सप्लोरर जब ओपन करोगे तो वहीं पे आपका क्या दिखता है, ड्राइव दिखते हैं। उन ड्राइव से आप जा सकते हो कहां पे, जिस ड्राइव में आपको फोल्डर बनाना हो। तो पहले ए, दूसरे नंबर पे सी। तो दूसरे नंबर पे सी कहां पे है, ए और सी यहां है, ए और सी यहां है, बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या है, अगला आप क्या करोगे कि होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करें। जो ऊपर आता है वहां पर न्यू फोल्डर आता है, उस पर करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हो। तो बी ऑप्शन पहले होगा, ठीक है, 1, 2, और ये तीसरे नंबर पे होगा बी वाला। तो बी ऑप्शन कौन सा यहां पर है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ए सी बी ई। उसके बाद से चयनित नए फोल्डर का नाम करोगे, फिर इंटर मार दोगे, ये ऑप्शन लास्ट में, मतलब डी आपका लास्ट में होना चाहिए। हाँ एकदम, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना। चलिए एक बार शेयर कर दे सभी लोग सेशन को, लाइक जरूर करें। यहां पे आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। पहले टास्क बार पर, जो टास्क बार होता है नीचे, ठीक है, जो नीचे होता है और यहां स्टार्ट बटन होता है, यहां फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे, उसके बाद से जिस ड्राइव में फोल्डर बनाना होगा उसको ओपन करोगे सी। उसके बाद से क्या करोगे, ऊपर बार में आता है न्यू फोल्डर, होम वाला जो होता है उस पर न्यू फोल्डर टिक करोगे, नया बन जाएगा, उसका नाम करोगे, एंटर मारोगे, फोल्डर बन के तैयार हो गया। तुक्का कैसे लगाएं, अब पता चलेगा, बताएंगे उसको तुक्का लगाने का काम कैसे करेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस में चेंज आइकन व्यू शामिल होता है, बताइए। जब विंडोज एक्सप्लोरर, जैसे जब आप द पीसी होता है ना आपका डेस्कटॉप पे, आइकन होता है पीसी वाला, ठीक है, उसको जब ओपन करोगे तो आपका एक्सप्लोरर खुलता है, और एक्सप्लोरर खुलता है उसमें होम होता है, व्यू होता है, शेयर होता है। तो जब व्यू बटन पे जाओगे तो वहां क्या होता है आपका, तो वही पूछा है, विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस में चेंज आइकन व्यू शामिल होता है, किस में होता है, एड्रेस बार में होता है, टाइटल बार में होता है, नेविगेशन बार में होता है, या मेनू बार में होता है, किस में होता है? जो होम होगा,
शेयर होगा, व्यू होगा, वो उसको क्या बोलेंगे? वो सब क्या है आपके? डी डी आ रहा है मीनाक्ष, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, प्रतिभा जी, सभी का आंसर डी आ रहा है। घनश्याम जी, स्वीटी जी, सभी का आंसर डी है। सभी लोग कंजूसी ना करो, एक बार शेयर जरूर कर दो। तो यहां मीनू बार होगा, क्या होगा? मीनू बार। मैं एक फोटो से आपको दिखाऊंगा, ये फोटो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहां देखो, ये फोटो देखो, जब आप खोलोगे फाइल एक्सप्लोरर तो ये क्यू कैसेस वाला आएगा, क्यू कैसेस वाला। ये आपके क्या होते हैं? ये नेविगेशन पैन होता है। क्या बोलते हैं इसको? नेविगेशन पैन बोलते हैं, नेविगेशन पैन। आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, इसके लिए होता है। ठीक है, यहां देखो, व्यू में जाओगे तो मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, ऐसे आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहां देखो नेविगेशन पैन दिया हुआ है ना, ये नेविगेशन, इसको क्या बोलेंगे? यही आपका क्या होता है? मेनू होता है। क्या होता है? मेनू होता है। ऊपर आपका क्या होता है? टाइटल बार होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो होगा, ये होता है एड्रेस बार। क्या होता है? एड्रेस बार होता है। ठीक है, अरे 65,000 के अप्रोक्स फॉर्म है, कितनी बार एक ही चीज आप लोग पूछते हो। चलो, इसका आंसर बताइए क्या करेक्ट होगा। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? बताइए, मेनू बार में, टाइटल बार में, नेविगेशन पैन में, या एड्रेस बार में? किस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा? मेरिट जो मैंने पहले बताया आपको, मेरिट जो पहले सभी की एक बनेगी, उसके बाद सभी की टाइपिंग होगी, और उसके बाद से अलग अलग मेरिट बनेगी। बी आंसर होगा, बी होगा। चलो देखते हैं कितने लोग सही होते हैं इसमें। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो बटन होता है वो एड्रेस बार के पास होता है। अभी मैं दिखा रहा हूं, एड्रेस बार के पास होता है। देखो, अभी ये फिगर था, ये देखो यहां पे क्या है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, यहां पे ऐसे एरो बना होता है, तो ये एड्रेस बार है ना, पूरा उसी वाले में होता है। ये पूरे को एड्रेस बार बोलते हैं, ये पूरे पैनल को, तो उसी में ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। वही पूछ रहा है कि कहां पे होता है, तो ये मेनू बार में नहीं, कहां गया, एड्रेस बार में होता है। किसमें होता है? एड्रेस बार में। डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कभी सिस्टम खोल के देख भी लिया करो। विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी, जो दिस पीसी का आइकन होता है, पर दायां क्लिक करते हैं, तब कितने विकल्प पॉपअप मेनू में आते हैं? जैसे दायां करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास पॉपअप मेनू खुल के आएगा। उस पॉपअप मेनू में कितने होंगे? इसका आंसर बताइए क्या होगा? बी आंसर होगा, सात खुल के आते हैं। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी देखते हैं क्या सही होगा, कितने आइकन खुल के आपके सामने आते हैं। नहीं पता, देखो, जब आप विंडोज 10 में, जब आप डेस्कटॉप पे 10 पीसी, द पीसी पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो आपके सामने 10 खुल के आते हैं। चेक करना, क्या खुल के आएंगे? 10 आएंगे, 10 चीजें आपके सामने खुलकर आती हैं। क्लिक करके देखना, विंडोज 10 जिसके पास होगा, द पीसी पे क्लिक करना, राइट क्लिक करोगे तो जो डायलॉग बॉक्स करके आएगा उसमें 10 चीजें आएंगी। दिखा दें, अरे यहां पे कहां से दिखा दें, है नहीं सर, देखो हाय 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 हाय, लाए हैं लाए हैं, देखो ये रहा, दिस पीसी पर करोगे, ये दिख रहा है, देखो
यहां देखो, जब ऐसे दिखाने लगेंगे तो कम क्वेश्चंस हो पाएंगे. एक ओपन, दूसरा पिन टू क्विक एक्सेस, मैनेज पिन टू स्टार्ट, मैप नेटवर्क डिवाइस, डिस्कनेक्ट नेटवर्क, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम एंड प्रॉपर्टी. तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. टोटल 10 आपके आएंगे अगर दिस पीसी पर आप राइट क्लिक करोगे. सात नहीं होगा, 10 होगा. देखो मैंने ओपन किया है, यहां पर स्क्रीनशॉट लिया है पीसी का. चलिए जल्दी से बताइए, ये सही है? सात नहीं होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. विंडोज 10 की बात कर रहा है, विंडोज 10 की बात. जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटा आइकन के रूप में प्रकट होता है. कहाँ? मेनू बार में, टास्क बार में, टाइटल बार में या स्क्रॉल बार में? कहां पर होता है ऐसा बताइए, इसका आंसर बताइए. 5 नंबर क्वेश्चन. जब हम विंडोज डालते हैं तो विंडोज का एक आइकन जो है छोटा सा बन के आता है. कहां पे आता है बन के? बहुत बढ़िया, जो नीचे आपका टास्क बार होता है तो यहां पर देखे होंगे ऐसे विंडोज का आइकन बन के आता है. तो वही, इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं. जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं. ये देखो, ये फिगर देखो, ये टास्क बार है. यहां पे देखो विंडोज बन के आता है. यहां पर क्या आता है? विंडोज बन के आता है. इसमें आप देख सकते हो जितने भी आपके टास्क बार में जो भी आप एप्लीकेशन खोले रहोगे वो सब दिखता है. ठीक है, जितने एप्लीकेशन खोलोगे सब दिखता है. हिंदी में कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों के, इंग्लिश में कुछ. डिफॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई सभी फाइलों को कहां संग्रहित किया जाता है? जो भी फाइल अगर आप बना रहे हो, चाहे वर्ड की चाहे किसी की भी, जब उसको कंट्रोल एस दबाओगे सेव करने के लिए तो वो कहां पे जाके सेव होगा? जल्दी से बताइए और एक बार शेयर जरूर करिए. बताइए इसका आंसर क्या होगा. अब एक दिन है तो किसी का तो त्याग करना पड़ेगा आपको यदुवंशी जी, रोहित जी. हाँ, पेपर ऑनलाइन होगा, बी आंसर होगा. इसका आंसर बताइए, डिफॉल्ट रूप से जब विंडोज में कोई भी फाइल कहां सेव होगी? माई फाइल्स में, माई डॉक्यूमेंट्स, लोकल ड्राइव, डेस्कटॉप, किस में होती है? बहुत बढ़िया, डॉक्यूमेंट सी आ रहा है सभी का. किसी का बी है, किसी का सी आ रहा. सी नहीं होगा, लोकल ड्राइव कहां से आ जाएगी? जब तक आप चूज नहीं करोगे कि कहां आपको सेव करना है पर्टिकुलर फोल्डर पे, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले आपका माई डॉक्यूमेंट ही खुलता है. बी आपका करेक्ट होगा, आपको अलग से चूज करना होगा. जब तक कहो तब तक प्रैक्टिस कराएंगे. एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? जैसे आपने कई सारे टैब खोल लिए हैं तो कैसे हर एक टैब पर जाओगे, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा. एक बार सभी लोग शेयर जरूर करिए और लाइक, जितने लोग लाइक हो वो लाइव हो, वो लोग लाइक नहीं किए हैं तो कंजूसी ना करो भाई, पैसा तो लगता नहीं है. गुड इवनिंग निशी जी. प्रतिभा जी का आंसर सी है, मुनीष जी का आंसर डी है. सर नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है. चलिए, किसके किसके साथ जाती हुई है कि सभी एक ही दिन दोनों पेपर पड़ गया है बच्चों का? ए आएगा, कंट्रोल प्लस टैब. अंकित कुमार जी कंट्रोल प्लस टैब के साथ जा रहे हैं, एकदम सही है. कंट्रोल प्लस टैब से जो भी आप खुले विंडोज होगा, लगा अगर लैपटॉप के साथ में हो, कंट्रोल टैब दबाओ, स्विच करेगा. क्या होगा? हर एक टैब आपको बन के आ जाएगा, उस पे जिस पे जाना होगा आप जा सकते हैं. ठीक है, आल्ट प्लस शिफ्ट से क्या होता है, लैंग्वेज चेंज करते होंगे आप लोग टाइपिंग करते होगे तो आल्ट शिफ्ट दबाते हो तो इंग्लिश हिंदी चेंज होता है, तो आल्ट शिफ्ट से होता है. ठीक है, चलो आपका साथ है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं. विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का शॉर्ट कुंजी क्या है बताइए? 8 में चाहे किसी में, ऐसा नहीं 8 ही में होगा,
वो बहुत आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। डेस्कटॉप पे अगर कोई नया फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, जल्दी से बताइए उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा। ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, बी आएगा। यहां देखो कंट्रोल शिफ्ट एन, एन आया, बाकी ऑप्शन देख लो एन नहीं है, मतलब न्यू, एन का मतलब ही न्यू होता है। तो ये न्यू, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ के लिए चेंज कर दोगे क्या फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करने के लिए होता है ये, चेंज फॉन्ट, चेंज फॉन्ट। कंट्रोल शिफ्ट के लिए ये वर्ड में, एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में वर्ड जब खोलोगे उसमें ये काउंट करता है कितने वर्ड हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो ये काउंट वाला आ जाएगा, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने आपकी लाइनें हैं, ये सब बताएगा, ठीक है। और ब्राउजर में, ये ब्राउजर में क्या होगा, ये ब्राउजर में फाइंड का काम करता है, एक तरह से फाइंड या सर्च बोल सकते हो। कंट्रोल आल्ट टी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल आर्ट टी का मतलब होगा कि आप वर्ड में, एमएस वर्ड में क्या करोगे, कहीं भी एक साइन लगाना होता है ना टीएम वाला, इस टीएम के साइन को लगाने के साथ किसी के साथ लगा सकते हो। मान लो किसी कंपनी का नाम लिखे परीक्षा प्लस, ठीक, अब इस पे टीएम लगाना, ऊपर देखे होगे टीएम लगता है, तो ये टीएम ट्रेडमार्क लगाने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल आर्ट प्लस टी करोगे तो टीएम लग जाएगा ऊपर, समझ गए। एक बार शेयर करो जब समझ गए तो। आंसर क्या होगा इसका, ए करेक्ट होगा, नया फोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन होगा। अगला है विंडोज 7 में स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, साथ में आपको स्क्रीन सेवर बदलना है तो बोल रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन श्रेणी को चुनेंगे, स्टार्ट मेनू से कंट्रोल पैनल खोलेंगे, पर्सनलाइजेशन एरिया से चेंज स्क्रीन सेवर चुनेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करेंगे। पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या करोगे, सबसे पहला करोगे बी, स्टार्ट मेनू से कंट्रोल पैनल खोलोगे, उसमें से क्या करोगे ए चूज करोगे, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन श्रेणी चूज करोगे, उसके बाद से कहां जाओगे, पर्सनलाइजेशन एरिया से चेंज स्क्रीन सेवर चुनोगे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, बी ए सी, बी ए सी आपको मिलना चाहिए, क्यों, चलो तो किसमें है, बी ए सी, बी ए सी इसमें भी है, बी ए सी उसमें भी है, और इसमें इसमें नहीं है। उसके बाद से क्या करेंगे, स्क्रीन सेवर को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके बटन दबाएंगे, तो ई और डी होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ये नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, जब 7 पर राइट क्लिक करोगे तो पॉपअप मेनू में सॉर्ट बाय आता है ना, कि कैसे जो भी डेस्कटॉप के आइकन है उसको सॉर्ट कैसे करना चाहते हो, डेट से, नेम से, साइज से, तो उसमें विकल्प को शामिल नहीं करता है, कौन सा विकल्प नहीं होता है, नेम, साइज, आइटम टाइप या ऑथर नेम, कौन सा नहीं होता है बताइए, ए नहीं होता है। जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आता है सॉर्ट बाय, मतलब पूरे डेस्कटॉप के आइकन को कैसे सॉर्ट करना चाहते हो, डी होगा, डी होगा। चलिए कुलेश अंकित जी डी दे रहे हैं, गौरव जी, घनश्याम जी ए दे रहे हैं, प्रतिभा जी डी बता रही हैं, डी। ऑथर नेम नहीं होता यार, क्लिक करके देखना है सब। यहां पे क्या क्या होता है, नेम होता है, साइज होता है, आइटम होता है, आइटम टाइप, और क्या होता है, डेट मॉडिफाई होता है, मतलब डेट के अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो कौन सा फोल्डर नया बनाया हो, ये होता है, ऑथर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। डी करेक्ट होगा, ए नहीं, ए तो होता है नाम से, साइज से, आइटम से, कैसा है उस सबको आप सॉर्ट कर सकते हो। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल जब तक यह डिफ्रेगमेंट नहीं है, व्यर्थ है, सुकुचित किया गया है, रैम नॉन कॉन्टिजुअस स्थानों में संग्रहित है, डिस्क में नॉन कॉन्टिजुअस स्थानों में संग्रहित है,
जो आपकी फ्रेगमेंटेशन फाइल होती है वो कहां होती है? इसी के लिए डीफ्रेगमेंटेशन किया जाता है। जल्दी से बताइए ये किस में होता है? हम डिस्क डीफ्रेगमेंट करते हैं ना, तो डिस्क होता है ना, तो इसका मतलब जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो कहां होगा? डिस्क में होगा। इसमें क्या होगा कि जो मान लो ये आपकी डिस्क है, ये स्पेस है, मान लो स्पेस है आपके डिस्क की, जो भी स्पेस ये है, एक स्पेस मान लो ये डिस्क का स्पेस है। अब कोई भी फाइल आपका, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां फाइल पड़ी है, कोई यहां ऐसे पड़ी है, मतलब रेंडमनेस पड़ा है। तो इसमें क्या होगा, किसी फाइल को सिस्टम को रीड करने के लिए एसएस टाइम ज्यादा लगता है। क्या लगता है? एसएस टाइम ज्यादा लगता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप समय समय पर अपने सिस्टम को, कोई भी चीज ओपन करना है, कोई भी फाइल, तो उसको डिसफ्रेगमेंट किया करो, डिफ्रेगमेंट कर दिया करो। जब डिफ्रेगमेंट कर दोगे, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपके विंडोज में, इससे क्या होगा कि सभी फाइलें एक व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगी, एक हायरार्किकल ऑर्डर में आ जाएंगी। जिस ऑर्डर में उनको रखा जाएगा उस ऑर्डर में ये फाइलें अरेंज हो जाएंगी। तो ठीक है, जिसके जैसे, तो यहां पे एसएस टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? ठीक, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विंडोज 7 में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए सही क्रम में निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। पृष्ठभूमि छवि मतलब बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड बदलना है। डेस्कटॉप को खाली जगह पर राइट क्लिक करें, विंडो के निचले बाएं कोने में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि विकल्प पर क्लिक करें, पर्सनलाइज चुनें, किसी एक पिक्चर्स पर क्लिक करें, सेव बटन पर क्लिक करें। क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सबसे पहले करोगे डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करोगे। जैसे राइट क्लिक करोगे तो वहां पे क्या आएगा आपका, वहां पे पर्सनलाइज आएगा, उसको चुनोगे। ए और सी होना चाहिए, ए सी इसमें नहीं है, ए सी इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। फिर विंडो के निचले बाएं कोने पर डेस्कटॉप पृष्ठभूमि होगा सेट बैकग्राउंड वाला, उसको चूज करोगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद से डी नंबर, किसी एक पिक्चर्स को सेलेक्ट करोगे और उस पर सेव बटन दबा दोगे, तो पीछे का बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। तो ए सी डी बी, ए सी बी डी आपका ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर है, नीचे वे चरण दिए गए हैं जो विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पासवर्ड को सेट या बदलने में मदद करते हैं। अनुपलब्ध चरणों में से एक विकल्प को पहचाने जो नीचे दिए गए चरण 3 में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। आपको बताना है यहां दिया है आपको क्या क्या करना है, लेकिन एक जो थर्ड है वो स्टेप गायब कर दिया गया, तो वही आपसे पूछा है कि क्या होगा, अभी ऑप्शन में दिखाऊंगा। बोला क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन पर करो, उसके बाद से कंट्रोल पैनल पर जाओ। कंट्रोल पैनल क्लिक करने के बाद यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी को ओपन करो। जब कंट्रोल पैनल खोलते हो तो कंट्रोल पैनल में यहां ढेर सारे आ जाते हैं, ठीक है, यहां पे अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल वाला आ जाएगा, ऐसे सभी के बने होते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली वाले पर, वहां पे आप चूज क्या करोगे, देन चूज चेंज योर विंडोज पासवर्ड। उसके बाद से क्या करोगे, वही थर्ड ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, तो यहां ऑप्शन है चूज इंसर्ट पासवर्ड, चूज क्रिएट ए पासवर्ड योर अकाउंट और चेंज योर पासवर्ड, चूज रिसेट पासवर्ड, चूज रिमूव पासवर्ड। तो क्या चूज करोगे, चूज करोगे क्रिएट पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट और चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड, तो ये चूज करेंगे। तो यहां पे थर्ड में क्या होगा, चूज पासवर्ड में चूज न्यू पासवर्ड या क्रिएट ए न्यू पासवर्ड वो वाला करेंगे। फिर हम पासवर्ड को टाइप करेंगे, फिर आस्क रिटाइप देन सेम पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड बॉक्स, टाइप ए हिंट रिमाइंड योर पासवर्ड एंड क्लिक द क्रिएट पासवर्ड बटन, आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। अगला है, विंडोज 10 में तारीख समय बदलने के लिए सही क्रम में चरणों को व्यवस्थित करें। एक बार शेयर सभी लोग करें, विंडोज 10 के तारीख को बदलना है तो क्या करोगे? सबसे पहले समायोजित तारीख समय चुनें, स्क्रीन के निचले दाईं ओर समय पर राइट क्लिक करें। एकदम पहला स्टेप यही होगा, बी। नीचे जो आपका टास्क बार होता है ना, ये
यहां पर देखोगे तो टाइम दिखाता है, यहां पे जब राइट क्लिक करोगे तो डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए। बी ऑप्शन सबसे पहले किस किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन किस में सबसे पहले है? ठीक है, इसमें है, इसमें है, बाकी तीन ऑप्शन में है। उसके बाद से क्या करोगे, समायोजित तारीख और समय चुनेंगे, बी के बाद ए होना चाहिए। उसके बाद से क्या करेंगे, आपका जो सेटिंग पॉपअप विंडो आएगा उसे बाईं ओर दिनांक और समय टैब चुनेंगे, उसमें आपका जो पॉपअप विंडो आएगा तो उसमें डेट और टाइम का टैब चुनेंगे, समय दर्ज करें और चेंज कर दें, ये करोगे, या चेंज तारीख समय के अंतर्गत चेंज पर क्लिक करें। सही बात है। तो उसके बाद से क्या करोगे, ई पर होना चाहिए, मतलब चेंज तारीख और समय के अंतर्गत चेंज पर क्लिक करें, उसके बाद समय दर्ज करें और चेंज दबा दें, तो ये आपका सेट हो जाएगा, बी ए सी ई डी हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। पहले बी फिर ए, उसके बाद से सी करोगे, उसके बाद से ई करोगे, फिर डी पे कर दोगे, चेंज दबाओगे तो चेंज हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? जब आप पावर बटन पर क्लिक करते हो तो उसमें से कौन सा आपका नहीं है? ये है शट डाउन, ये है स्लीप, ये है हाइबरनेट, ये लॉग आउट, इसमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? पावर विकल्प लॉग आउट नहीं है, बाकी आपके पावर विकल्प हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनके विंडोज पर नजर रखता है, लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है, कौन होता है? कंट्रोल पैनल, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर या टाइटल बार? जो भी आप डेस्कटॉप में स्पेशल एरिया होता है जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम, तो चलने वाले आपके डेस्कटॉप पे जो भी प्रोग्राम होगा तो वो यहाँ पे टास्क बार में क्या होता है, शो होता है। वो कहाँ शो होता है? टास्क बार में शो होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइट इंटरफेस का भाग नहीं है? किसमें? वर्ड प्रोसेसर में, मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार। तो वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मूला बार नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये कहां होता है? एक्सेल में होता है, वर्कशीट वाले में होता है। फॉर्मूला बार वर्ड प्रोसेसर में नहीं होता है, बाकी मेन्यू बार होता है, टूल बार जो ऊपर होता है, टाइटल बार जिसमें टाइटल लिखे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो, टाइटल बार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी आपका होगा, ये नहीं होता है। अगला है, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है आपको, ऐसा कुछ दिखेगा। यहां देखो ये क्विक एसेस होता है, ये टूल बार होता है क्विक एसेस, ये आपका टाइटल बार हो गया, ठीक है। ये पूरे ग्रुप्स होते हैं, एक एक क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। इन पूरे को रिबन कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। और एक एक पार्ट जो इसमें फॉन्ट का एक ग्रुप हो गया, पैराग्राफ का ग्रुप हो गया, स्टाइल का ग्रुप हो गया, ये आपके क्या हो गए? मेनू हो गए। क्या हो गए? मेनू होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब होते हैं, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ता को रिक्त स्थान सहित संपृतकों तक फाइल नाम टाइप करने की सुविधा देता है, कितने डिजिट तक, कितने तक आप फाइल का नाम टाइप कर सकते हो? जल्दी से बताइए। देखो मिनिमम एक और मैक्सिमम 255 तक आप स्पेस रिक्त स्थान के साथ भी 255 तक किसी भी फाइल का नाम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वर्ड 255 वर्ड तक, ए होगा। लिब्रा ऑफिस करा दें, अब इतना समय कहां है? किस तरह का प्रक्रम? लिब्रा ऑफिस आपका पूछेगा नहीं, एमएस ऑफिस ही पूछेगा। सिलेबस में आपके साफ साफ दिया है एमएस ऑफिस, ऑफिस जो दिया है वो पढ़ो ना। कहे किस तरह का प्रक्रम छोटे फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? छोटा फाइल किससे होता है? कंप्रेशन से, फ्रेगमेंटेशन से, इनकैप्सुलेशन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकैप्सुलेशन जो होता है ना, ये उप्स का एक कॉन्सेप्ट है। उप्स लैंग्वेज जब पढ़ोगे, जैसे C++ और जावा में जो उप्स होता है उसमें इनकैप्सुलेशन आता है। इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब हो गया कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर क्या होना? डेटा होना। जैसे कहा जाए इनकैप्सुलेशन का मतलब, हम पढ़ते हैं क्लास के बारे में, जावा और C++ में
क्लास के बारे में पढ़ते हैं और इस क्लास के अंदर ही हमारे वेरिएबल्स, फंक्शन, इन सब को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इन सब को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को हम डायरेक्टली एसेस नहीं करते हैं, हम एक क्लास के माध्यम से एसेस करते हैं। इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, कैप्सूल के अंदर डेटा होना है, ठीक है, उसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। कंप्रेशन क्या होगा कि फाइल को कंप्रेस किया जाता है, उसके साइज को रिड्यूस किया जाता है। क्या होता है, साइज को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ए होगा, जब भी हमें किसी बड़ी फाइल को कहीं भेजना होता है नेट के थ्रू तो उसको कंप्रेस करते हैं। हाँ, एसएस मॉडिफायर, चलो यहां आ जाओ। ऑडियो स्ट्रीम फाइल एक्सटेंशन एएमआर का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए, एएमआर का फुल फॉर्म क्या है? एडेप्टिव मल्टी रेट। ये क्या है, ये ऑडियो एक्सटेंशन एक फाइल होती है एएमआर, उसका फुल फॉर्म एडेप्टिव मल्टी रेट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, डॉट बी ए के, डॉट बैट, डॉट बी एक एफ, डॉट बिन, जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दें सेशन को। ये मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है, दुर्गेश जी आप परीक्षा प्लस पे जाइए और कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी देखिए कि किस पे आप 15 प्लस तक आप स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। बिन होगा, डी आंसर आ रहा है, पिंटू जी सभी का बिन आ रहा है, तो एकदम सही है। बाइनरी, बी आई एन से ही होता है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन यही है। नहीं पढ़ के जाओगे तभी भी दिमाग काम करेगा कि बिन ही होगा बाइनरी के लिए। बी ए के क्या होता है, बी ए के किसके लिए होता है, डॉट बी ए के फाइल किसके लिए होता है, बी ए के फाइल किसके लिए होगा, जल्दी से बताओ। बैकअप अ कॉपी फाइल, ठीक है, ये बैकअप फाइल की कॉपी बनाने जब बनाते हैं तो उसको डॉट बी ए के होता है। बैकअप फाइल की जब उसकी कॉपी बनाते हैं तो बैकअप फाइल होता है। डॉट बी ए टी किसके लिए होता है बताओ, ये बैच फाइल होता है, ये बैच फाइल होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ये बैच फाइल होता है, डीओसी मतलब एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। डॉट बी एक एफ क्या होता है, ये आपका बैकअप फाइल होता है, ये बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है और ये बैकअप फाइल के कॉपी का एक्सटेंशन होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये बिन जो होगा बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये आपके फाइल का मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है, किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी के लिए कौन सा बताएगा, डॉट बी ए के जो बताएगा वो बैकअप की कॉपी को बताएगा, ठीक है, एक बार शेयर करो, 100 पार हो जाएगा, एकदम जोरदार तरीके से शेयर करिए। डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, डॉट बी ए सी, डॉट डॉक, डॉट एस टी एम एल किसके उदाहरण है, एक्सटेंशन के, डोमेन्स के, डाटाबेस के, प्रोटोकॉल के, तो ये सब पढ़ा चुका है, ये नहीं होता है, डोमेन्स ऐसे नहीं होते हैं, डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट यूके होता है, डॉट ओ आर जी होता है, ये डोमेन होते हैं, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब एक्सटेंशन है, ये क्या है, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, ये क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन होता है, ए आपका करेक्ट होगा। चलिए, बहुत बढ़िया साधना जी, पौनेश जी बेहतरीन, आगे आते हैं, तुम लोग को बोले शेयर करने के लिए तुम लोग कम कर देते हो, वाह। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी एंड डब्ल्यूएबी। अब इसके फुल फॉर्म भी लिखते जाओ, ये भी पूछता है, इसके फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे, कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। जेपीजी का फुल फॉर्म भी बताते जाओ, ज्वाइंट फोटोग्राफी, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी, एक्सपर्ट ग्रुप,
ज्वाइंट फोटोकॉपी एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताइए? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, WAV का फुल फॉर्म क्या होगा? वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और ये क्या है, जब ऑडियो आ गया इसका मतलब ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ना कि इमेज का फाइल फॉर्मेट है, तो डी इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है जल्दी से बताइए? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कौन सा ऑप्शन होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, बी नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है ये, फाइल नहीं होता है, फॉर्मेट होता है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार सभी लोग शेयर करें, 150 पर आप पहुंचाना है आज, आ जाइए। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? स्टेटस बार पे, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, या इनमें से कोई नहीं? जो अलाइनमेंट होता है वो किस में होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये सब कहां पे होता है? तो ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। किसमें, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट करते हैं ना किसी चीज को, सुधारना, अलंकृत करना, ठीक है, सजाना, उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो वो क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। यहां आते हैं, एमएस वर्ड 2007 में अंडू रिडू विशेषता को कितने बार प्रयोग कर सकते हो? 200 बार, 300 बार, 150 बार या 100 बार? 100, कितनी बार तक वो रिडू हो सकता है, कितनी बार तक अंडू हो सकता है जल्दी से बताओ? क्या होगा इसका आंसर? 100 होगा, डी 100 आंसर होगा इसका। 100 बार हम उसको अंडू या रिडू कर सकते हैं, 300 बार नहीं। रिडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, रिडू किसके, किस शॉर्टकट के द्वारा किया जाएगा बताओ? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। अंडू होता है इसके द्वारा, कंट्रोल वाई के द्वारा रिडू होता है, बी आपका सही होगा। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रिडू होता है, ठीक है। तो आंसर बी आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर में रिबूट करने के लिए, या टास्क मैनेजर खोलने के लिए, या शटडाउन करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? कंट्रोल आर डिलीट, शिफ्ट एसटीआरएल, शिफ्ट एसटीआरएल कोई वही नहीं होता है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल आर्ट शिफ्ट, कंट्रोल आर्ट टैब, कौन सा आप लोग रिबूट करने के लिए करते हैं यूज जल्दी से बताइए? ये मैंने एक बार करा भी रखा है आप लोगों को। क्या होगा, कंट्रोल आर्ट डिलीट करोगे तो टास्क मैनेजर रिबूट भी हो जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाता है कंट्रोल आर्ट डिलीट से। अच्छा, आगे आते हैं, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए, क्रोम ब्राउजर में जब नया टैब, न्यू टैब खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? आर्ट एन, कंट्रोल टी, आर्ट कंट्रोल टी, आर्ट कंट्रोल टी मैंने बताया ना किसके लिए होता है, टीएम के लिए होता है, ठीक है, या आर्ट टी, क्या करोगे? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल टी के साथ हम करेंगे, दबाएंगे तो ब्राउजर में नया टैब खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? नया टैब खुल जाएगा, बी सही होगा, ए नहीं, बी, कंट्रोल टी से नया टैब खुलेगा, बी होगा। सभी लोग गलत जा रहे हो, आर्ट टी नहीं होगा, कंट्रोल टी होगा, दबा के देखना आज। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर कोई फाइल पहले से आप सेव किए हो, उसको ओपन करना है तो कैसे करोगे? आर्ट के साथ ओ या कंट्रोल के साथ हो, तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव होता है,
कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, सी से कॉपी होता है, वी से पेस्ट होता है, ठीक है, ये तो है जनरल सा, यू से अंडरलाइन होता है, बी से बोल्ड होता है और आई से इटैलिक होता है, ये सब जनरल चीजें हैं जो याद रखो। अगली क्वेश्चन है मैच करना है, कंट्रोल बी क्या होगा, बोल्ड होगा, मेक ए टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, शिफ्ट एफ थ्री क्या करेगा, चेंज केस ऑफ लेटर, मतलब अपर केस लोअर केस में किसी लेटर को बदलना है छोटे और बड़े लेटर में, तो उसके लिए शिफ्ट एफ थ्री दबाएंगे। तो देखो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का नहीं, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन, प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा, टैब पी, शिफ्ट पी, आल्ट पी, कंट्रोल पी, कंफ्यूजिंग के लिए क्वेश्चन बना दिया गया है, जल्दी से बताइए दीपेंद्र जी क्या सजेशन मांग रहे हैं, इसके बाद मांगिएगा, एक बार शेयर आप सभी लोग कर दें। प्रतिभा जी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को प्रिंट कमांड देते हैं, कंट्रोल पी होगा, टेक्स्ट को इलेक्टिव बनाने के लिए, मतलब इटैलिक बनाने के लिए क्या कौन सा होगा, कंट्रोल आई होगा, यू से अंडरलाइन, ठीक है, मैंने बता ही दिया था। कंट्रोल टी किसमें, ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए, कंट्रोल एल, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए होता है, तो इटैलिक के लिए कंट्रोल आई हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, जब फाइल एक्सप्लोरर डायरेक्ट आप कैसे खोल सकते हो, विंडोज प्लस ई, विंडोज प्लस डब्ल्यू, मतलब विंडोज की, जो विंडोज की होती है ना आपके ऐसे, उसको प्लस ई के साथ या डब्ल्यू के साथ या ओ के साथ या कंट्रोल प्लस ओ के साथ फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन होगा, जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ई होगा, विंडोज के साथ ई जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। विंडोज के साथ डब्ल्यू करोगे तो क्या करोगे, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए किया जाता है, सेटिंग को सर्च करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सेटिंग को सर्च के लिए होता है, इसका जाने गए ओपन फाइल करने के लिए होता है, इसका कुछ नहीं होता है। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट की कौन सा है, मैंने पहले भी बता रहा है कि कंट्रोल एच से आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक बना सकते हो, और किसी टेक्स्ट में अगर हाइपरलिंक लगाना है, ठीक है, मान लो कोई भी परीक्षा प्लस लिखा है या टेक्स्ट लिखा है ना, इसको सेलेक्ट करो यहां से, ठीक है, और इस पर कंट्रोल प्लस एच दबा दो और इस पर कोई लिंक लगा दो, तो ये हाइपर टेक्स्ट हो जाता है, क्या इसको बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, इसमें हाइपरलिंक लग गया ना तो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है, तो कंट्रोल एच होगा। एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक, आ जाओ, सॉरी, कंट्रोल एच नहीं होगा, कंट्रोल एच नहीं होगा, क्या होगा, कंट्रोल के होता है, कंट्रोल एच नहीं, कंट्रोल के होता है, ठीक है, कंट्रोल के होता है, ये ध्यान रखना, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल, कंट्रोल एच किसके लिए होता है, गो टू, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है कंट्रोल एच, जो बॉक्स बन के आ जाता है ऐसे, ठीक है, एक से बाहर होता है, जिसको आप फाइंड करो और जिसको रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस कर दो, ये आ गया कंट्रोल के होगा। यहां शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट एंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रोग्राम से दूसरे तक जाने के लिए, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, सिस्टम का बलपूर्वक शटडाउन करने के लिए, नहीं, शटडाउन के लिए तो आल्ट एफ फोर यूज होता है ना, इसके लिए आल्ट प्लस एफ फोर यूज होता है, उस पर भी आपको मांगता है कि पहले आप सभी फाइल क्लोज कर लें फिर आप बंद कर सकते हैं, तुम लोग कंजूसी कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो।
शेयर करो एक बार सभी लोग। तो यहां क्या होगा, ये आप किसी भी कोई भी फाइल चूज करना, चाहे फोल्डर चूज करना, उस पर आल्ट के साथ एंटर दबा देना, तो क्या आएगा, प्रॉपर्टी वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो उसके बारे में बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा उसकी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बताता है, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी बताएगा। बी, अगला क्वेश्चन, एक विंडोज की कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठी, मतलब हेल्प पेज को खोलता है, जो भी आप प्रोग्राम ओपन किए हो, जो भी एप्लीकेशन ओपन किए हो, किससे आप हेल्प ले सकते हो, हेल्प डायलॉग बॉक्स किससे खुल के आता है, तो F1 से खुलकर आता है, किससे आता है, F1 से, समझ गए, F1 से आपका क्या होता है, हेल्प बटन खुल के आता है। F2 से क्या होता है, F2 से किसी का रीनेम कर सकते हो, किसी भी चीज का रीनेम कर सकते हो। F10 से क्या होगा, देखो F10 जो होगा, आपका जो भी प्रोग्राम ओपन किया हो उसमें एक्टिव जो होगा, एक तरह से बोल सकते हो, एक्टिव मेनू बार शो करेगा, जो एक्टिव मेनू होगा उसमें, जो भी एप्लीकेशन खुले F10 दबाए तो जिस मेनू पे होगे उसको दिखाएगा ये एक्टिव मेनू है। F11 क्या होता है, F11 का रोल क्या होगा, इसका आंसर बताइए, F11 या F, F11 का बताओ, रन कमांड, नहीं रन कमांड कहां खुलता है F12 से, वो तो विंडोज से रन कमांड जो होता है, रन विंडो जो होती है वो तो विंडोज प्लस R से खुलता है, ठीक है। F11 कभी कभी बूट ऑपरेशन में यूज होता है, किसी किसी सिस्टम में डिपेंड करता है, F11 F12, ठीक है, F11 F12 बूट ऑपरेशन में यूज होने वाले हैं, फुल स्क्रीन पे भी होता है, चलो तो फुल स्क्रीन और बूट ऑपरेशन पे भी यूज होता है, चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये दिख रहा है, ये कैसा डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स कौन सा डायलॉग बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं, F12 सेव के लिए होता है और बूटिंग के लिए भी होता है, सेव जब खुल जाएगा तो सेव, जब आप कोई नया विंडोज डाल रहे हैं तो F11 किसी किसी में सिस्टम में F11 किसी में F12 ऐसे काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत बढ़िया, तो ये क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस है, टेक्स्ट को ढूंढना, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट को ढूंढने में, टेक्स्ट को बदलने में, टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में, ऑप्शन डी होगा, ढूंढने और बदलने में होता है काम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइलों का प्रयोग किया जाता है, मतलब रन कमांड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है तो क्या कमांड यहां डालोगे, जल्दी से बताओ, जब विंडो के साथ विंडोज बटन के साथ R दबाओगे तो एक रन कमांड आपके हाथ बन के आ जाएगा, इस रन कमांड में यहां क्या डालोगे कि डायरेक्ट आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल जाए, जल्दी से बताइए, डालोगे पावर PNT, क्या डालोगे पावर PNT, यह भी डाल दोगे तभी भी खुल जाएगा, .exe भी लगा दोगे तभी भी खुल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर PNT से खुलेगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा एक MS Office का वैध एक्सटेंशन नहीं है, MS Office का वैध एक्सटेंशन, एको ऑफिस के कुछ क्वेश्चन इसमें है, बाकी कल ऑफिस और एक्सेल दोनों साथ रहेंगे, जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा MS Office, ऑफिस बोला है किसी पर्टिकुलर पे नहीं बात किया है, DOCX ये होता है, .pot टेम्पलेट जो होता है ना, ये मैंने पढ़ाया है पढ़ाते वक्त, टेम्पलेट
किसमें? पीपीटी का जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन डॉट पीओटी होता है। एक्सएलएसएम जो होता था ये 2007 में एक तरह से इसको क्या बोल सकते हो, मैक्रो इनेबल वर्कशीट एक्सटेंशन है। ये मैक्रो इनेबल वर्कशीट एक्सटेंशन है। इससे फाइल अगर सेव करते हो एक्सएलएसएम से तो ये 2007 से ऊपर जितने भी वर्जन है, ठीक है, ये 2007 में होता था वो एक्सएलएस तो होता ही था, तो एक्सएलएसएम मतलब कि आप 2007 से ऊपर भी अपग्रेड वाले वर्जन में भी उस फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हो। ठीक है, पीपीटीएलएल जो होता है ये वैड नहीं है, बाकी सब एमएस ऑफिस के वैध एक्सटेंशन है, वैलिड एक्सटेंशन है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन डी आपका गलत एक्सटेंशन है। प्रिंट होने पर आपका प्रलेख डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर विंडो, प्रिंट डेमो, प्रिंट व्यूअर। प्रिंट से पहले उसे देखने के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा, जब कंट्रोल पी दबाते हो ना तो वो दिखता है, ठीक है, वहां पर तो एक दिखता है, तो वो आप अपने डेस्कटॉप पे ही, अपने लैपटॉप पे ही देख सकते हो कि कैसा दिखेगा। उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। ये फॉर्म में भी आप जब ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भरते हो तो आता है कि आप स्कॉलरशिप भर रहे हो चाहे फॉर्म भर रहे हो, कि प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, उसके बाद से फाइनल सबमिट मारो। ठीक है, तो ए होगा ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः सम्मिलित नहीं करते हैं क्या? वर्ड डॉक्यूमेंट, ध्वनि, चित्र या वीडियो सीक्वेंस, जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या नहीं सम्मिलित करते हैं, जल्दी से बताइए। देखो मल्टीमीडिया में डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज होते हैं, ध्वनि, चित्र, वीडियो सीक्वेंस यूज होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं होते हैं, इनका यूज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? जो स्प्रेडशीट होती है, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, उसके विश्लेषण के लिए कौन सा उसमें नहीं शामिल होता? मेल मर्जर। मेल मर्जर जो होता है एक साथ कई लोगों को मेल भेजने के लिए, ये आपके एमएस वर्ड में होता है। किसमें होता है? एमएस वर्ड में, ये एक्सेल शीट में नहीं होता है। बाकी आपके होते हैं लक्ष्य की तलाश, छटाई, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में होता है। गोल एनालिसिस होता है, गोल एनालिसिस, गोल सीकिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भला ही नहीं समझ पाओगे। गोल सीकिंग प्रोसेस एक होता है, ठीक है, बाकी व्हाट इफ एनालिसिस ये एक होता है इंग्लिश में, ये वो। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक टाइटल केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, लोअर केस और अपर केस इसी के विपरीत में बदला किया जाता है, बताइए इसमें क्या होगा? देखो टाइटल केस में, जब टाइटल के केस में जाते हैं तो जो भी वर्ड लिखेंगे हम, ठीक है, मान लो मैंने लिखा वर्ड तो W कैपिटल होगा, बाकी ये होगा। डॉक्यूमेंट लिखा तो D कैपिटल होगा, बाकी सब आपके स्मॉल होंगे, तो एक वाक्य के हर शब्द कैपिटल किया जाएगा, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाएगा या क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? शुरुआती सी वाला, प्रत्येक शब्द का कैपिटल किया जाएगा, मतलब जो भी शुरुआत होगा उसको पहला अक्षर जो होगा कैपिटल में होगा, सी होगा। मेल मर्जर घटक किसका है? एमएस वर्ड का है, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इसको बताओ क्या सही है इसमें। क्या हो गया है जैनब को?
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जूम करें। एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट, ये एरो लगा है, चयनित फॉन्ट को एक बढ़ाता है। कंट्रोल डिलीट, कर्सर की दाईं ओर के शब्दों को मिटाता है। कंट्रोल ई, रेखा तथा चयनित शब्दों टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है। कंट्रोल एल, लिंक इंसर्ट करता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ के आया, इसमें से गलत आपको छांटना है। कौन सा गलत होगा, गलत छांटना है या कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, सही चाहना है। तो सही एक दो तीन है, यह तो नहीं होता। कंट्रोल एल नहीं, कंट्रोल के से लिंक इंसर्ट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो एक दो तीन आपका सही है, एक दो तीन आपका कहां है, यहां पर सी। कंट्रोल ई से रेखा तथा चयनित शब्दों का टेक्स्ट की स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करना होता है, केंद्र में ले जाया जाए तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के लिए चेंज फॉन्ट जो है इंक्रीज करता है। अब 10 वाली क्लास बस आपकी होने वाली है। रन कमांड में डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। जो रन कमांड होता है उसमें क्या आप डालोगे कि आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, बताइए। वर्ड ओपन करने के लिए पावर पॉइंट का तो बता दिए थे, वर्ड ओपन के लिए क्या कमांड डालोगे, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जनरल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके लिए हम लोग विन वर्ड डालते हैं। विन वर्ड डॉट exe या विन वर्ड कुछ भी डाल दो चलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, लाइव स्ट्रीम, स्पेल टेक, शब्दकोश, अनुवाद, इसमें बताइए क्या किसकी सुविधा नहीं है। एमएस वर्ड की सुविधा नहीं है, स्पेल चेक होगा कि शब्दकोश कोश होगा जो थ्रेसर होता है जिसमें मीनिंग्स आपके वर्ड आते हैं, या अनुवाद होगा या लाइव स्ट्रीम होगा। तो लाइव स्ट्रीम कहां मिलता भाई साहब, वर्ड में लाइव स्ट्रीम थोड़ी मिलता है, ये आपका गलत होगा। बाकी स्पेल चेकिंग, डिक्शनरी वाला पूरा प्रोसेस यहां आता है। ये क्या हो गया, मेरा सिस्टम में एरर क्यों आ गया। आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है, एक बार कमेंट से बताएं, आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं, स्क्रीन गायब है मेरी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम या इवन पेज। सेक्शन ब्रेक का कौन सा प्रकार नहीं है, देखो ये सब सेक्शन ब्रेक के हिस्से हैं, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज, कॉलम नहीं है, सी आपका नहीं है सेक्शन ब्रेक का। जब हम पेज को ब्रेक करते हैं उस सेक्शन में जब जाएंगे तो इवन पेज में करना चाहते हो, ओड में करना चाहते हो, नेक्स्ट पेज, तो इस टाइप से होता है। तो ये आपका सी कॉलम नहीं होता है उसमें, सेक्शन ब्रेक में, ठीक है, सी आपका। तो ये रहे 50। कल हम लोग एमएस वर्ड, आज भी कुछ क्वेश्चन थे, और एक्सेल के बारे में देखेंगे, एक्सेल और पीपीटी दोनों ले लेंगे, सभी को ले लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। शॉर्टकट तो सब में एक ही जैसा होता है, तो इसके सभी को देख लेंगे। चलिए आपकी जीएस की क्लास लाइव होने वाली है, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बाकी जीएस की क्लास में आप सभी लोग उपस्थित जरूर हो। बाकी जिसे जो भी परेशानी, समस्या, दुख, दर्द हो, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते एक बार मैं सभी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपके इस सहयोग और प्यार से हमारा परिवार 1,00,000 पूरा कर लिया है। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे कंप्यूटर